बड़े टेस्ट कर लेना आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? हेलो हेलो आ रही है। ओके बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए भाई, बेटा कल मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझा दिया था। शायद मेरे हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस की थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा दी थी। कल बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे थे हमने, ठीक है, और उसी सीरीज़ को आज कंटिन्यू करना है। आगे जहाँ से कल एंड हुआ था वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं आज, ठीक है। और आज बेसिकली मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो मैंने कल बता दिए थे आज उन्हीं कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ताकि हमें ये पता लग जाए कि जो हमने सीखा है चीज़ें उसी से सॉल्व हो जाएंगी। नो डाउट कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है। परसेंटेज का जो पार्ट आपने बेहतरीन पढ़ा है उतना पढ़ लीजिए, कल वाली जो थ्योरी है प्रॉफिट लॉस की वो पढ़ लीजिए, उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उसके अंदर ही अगर मान लो एक्स्ट्रा कोई कॉन्सेप्ट भी आएगा तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर रहा हूँ। कल आपकी एंड क्लास होगी, कल आपका प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा क्लास आज की, ठीक है। और आज की जो क्लास है वो क्वेश्चंस की होगी सिर्फ, देयर इज़ नो एनी थ्योरी पार्ट। कल का जो कॉन्सेप्ट है उसको ही कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं आगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट। एक मिनट, ये मजाक है, आंसर बताइए जल्दी फास्ट। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, सभी के सभी लाइव आ जाइए प्लीज़ फास्ट। सभी के सभी बच्चे अब कॉपी पेन निकाल लो, सभी के सभी बच्चे मुझे कॉपी पेन निकालना है प्लीज़ जल्दी फास्ट। आप टाइम वेस्ट ना करके मुझे आंसर बताएं, टाइम वेस्ट ना करके आंसर बताएं, टेल मी द आंसर। शायद बिना पेन उठाए आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बिना पेन उठाए आ जाएगा अगर आपने कल के मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे तो। अगर आपने कल की क्लास ली होगी ना तो प्रॉफिट लॉस की आज की क्लास बेहद आसान लगने वाली है आपको, ठीक है। चलो चलिए भाई, एक काम करता हूँ मैं, पहले कल वाला कॉन्सेप्ट में एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सुन लीजिए, कल का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था आपको, कल का कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है बेटा उसकी जो कैलकुलेशन है वो दो तरह से हो सकती है, आइदर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और आइदर इन टर्म्स ऑफ रुपीस। अरे क्लियर है, कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ और फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। गौर से सुन लीजिए कि कुछ बच्चे भी आए नहीं है, वो थोड़ा होश हवास में नहीं है, वो कहीं बैठे हुए हैं, बाहर आ जाओ रजाई वजह से बाहर निकल के, कॉपी वॉपी खोल लो आराम से, सीरियस होकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पे देखो, कल मैंने आपको शायद ये समझाया था आपको कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो दो तरह से होती है, आइदर आप उस कैलकुलेशन को प्रॉफिट एंड लॉस की को वस्तुओं के टर्म्स में कर सकते हो या फिर उस कैलकुलेशन को रुपए के टर्म्स में कर सकते हो। लेकिन आपको अच्छे से पता होगा अगर आपने कैलकुलेशन की क्वांटिटी के टर्म्स में, तो आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस होगा, एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा, जो वास्तविक लाभ और हानि होगा, वो हमेशा बेचने वाली मात्रा एस क्यू पर निकाला जाएगा, दैट इज़ बेचने वाली मात्रा पर। ये मैंने कल करवा दिया था, बेचने वाली मात्रा पर आप निकालेंगे, बात खत्म। अगर कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है बट वो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी निकालना है, तो सर बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि आप उसे बेचने वाली मात्रा पर निकाल दें, दैट्स इट। अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, तो यह बात याद रखना कि एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस जो पैसे के टर्म्स में डिफाइंड होता है वो हमेशा सीपी और एसपी, रुपए का मतलब है सीपी से और एसपी से, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से। तो हमेशा एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर निकाला जाएगा, मतलब क्रय मूल्य पर डिफाइंड होगा। किस पर डिफाइंड होगा बेटा? क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर निकाला जाएगा। बस ये दो पॉइंट आप अच्छे से याद रख लें, चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये दो बात मैंने बता दी। फिर मैंने कल आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताया था, क्या? कि बेटा ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस की जो कैलकुलेशन जब आप करो, प्रॉफिट एंड लॉस की जो कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन हो ही तब सकती है जब या तो आपके क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी का डाटा सेम हो, या फिर डाटा आपका रुपए में सेम हो। अगर क्वांटिटी सेम है तो कैलकुलेशन रुपए में कर देना, अगर रुपा सेम है तो कैलकुलेशन क्वांटिटी में कर देना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर कैलकुलेशन क्वांटिटी में कर रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस बेचने वाली मात्रा पर निकलेगा, और अगर आप कैलकुलेशन रुपए के टर्म्स में कर रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पे निकलेगा। इज इट क्लियर? यानी कोई भी एक पॉइंट आपका क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से स्क्रीन बंद हो चुकी है, चेक करना। हो गई बंद? मजे की बात बेटा, आ गई होगी, देखो आ गई होगी शायद मेरे हिसाब से, फिर इंटरप्ट हो रही है, फिर गई नहीं, फिर गई होगी, देखो गई ना, फिर दोबारा कर जाते हैं।
फिर दोबारा गई, अब फिर दोबारा गई, देखो फिर दोबारा गई, फिर दोबारा गई, बेटा अभी आएंगे वो नीचे से भाग के आएंगे, वो देख रहे होंगे ना लाइव, लाइव भी नहीं देख रहे होंगे तब भाग के आएंगे वो। अब देखो हलचल हुई, जाना थोड़े दिन, ये यहाँ से कनेक्शन यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, क्या हो गया? इसकी इसकी बैटरी, इसकी बैटरी लो है शायद कैमरे की, कैम इधर को आ, इधर को आ, इधर को देखो, रेड बटन, रेड रेड आ रहा है, अब क्या करें, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, चलो अब तो गोविंद सर आ गए बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अबे ये क्या है रे, कहाँ है ये सब के सब, बाकी सब कहाँ है वे, आज मैं क्लास लेने नहीं आया, मतलब तुम सुत्ता सुस्ता रहे हो, मोहिसर गए होंगे आज मजे करने, अबे मोहिसर यहाँ है, आ जाओ बेटा सबके सब आ जाओ, है नहीं तो कल क्लास में लूँगा वार्ड तुम्हारी अच्छी तरह से। देखो बेटा सुनिए, तो ये मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन अगर आप कभी करनी हो तो या तो क्वांटिटी सेम होना चाहिए या पैसा सेम होना चाहिए, बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक, दोनों में से कोई भी एक सेम रहना चाहिए। अगर कैलकुलेशन क्वांटिटी में करोगे तो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस एस क्यू पर निकालोगे, और अगर कैलकुलेशन रुपए टर्म्स में करोगे तो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस किस पर निकलेंगे बेटा, सी पी पर, बोलो क्लियर हुआ। अब सब कुछ क्लियर है बे, बिल्कुल बढ़िया चल रही है वीडियो, वीडियो कमेंट बाजी उल्टी सीधी करना मत, है ना, चुपचाप कॉपी पेन खोल लो और आंसर बताओ, चलो रिवीजन हो गया तुम्हारा, आंसर बताओ इसको जल्दी फास्ट, मैंने इसलिए थोड़ा टाइम लिया थ्योरी व्योरी बताने में। देखो हाँ बे जल्दी बताओ आंसर, अब आंसर बताओ बे, नहीं फोड़ दूंगा तुम्हारे कपाड़े से हूँ, जल्दी आंसर बताओ जल्दी, फास्ट फास्ट, अब टाइम वेस्ट मत करना ठीक है, बिकॉज आई एम सीरियस। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि राम कुछ वस्तुएं 70 रुपए की दर से 890 रुपए में खरीदकर 60 रुपए की दर पर 890 रुपए में बेच देता है, तो बताइए उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। अगर मैंने क्या बोला आपको, अगर लाभ और हानि परसेंट की कैलकुलेशन करनी है तो गारंटेड एक बात ध्यान रखना कि खरीदने की इंफॉर्मेशन भी दो तरह से प्रेजेंट होगी, मात्रा में भी रुपए में भी, बेचने की इंफॉर्मेशन भी दो तरह से प्रेजेंट होगी, मात्रा में भी और रुपए में भी, लेकिन लाभ और हानि की कैलकुलेशन हो ही तब सकती है जब उनमें से कोई एक पैरामीटर सेम हो, किसका, खरीदने और बेचने का, कौन सेम हो, या तो क्वांटिटी सेम हो या रुपा सेम हो। देखो इस क्वेश्चन में मजेदार बात यह है कि क्वांटिटी रुपा सेम है, 890 890, तो इस क्वेश्चन के अंदर रुपीज सेम है, रुपीज क्या है सेम, अगर इस क्वेश्चन में रुपीज सेम है ना तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली क्वांटिटी में उड़ा दो, बात खत्म। तो आप बताओ कितनी वस्तुएं खरीदी उसने 70, और कितनी वस्तुएं बेची उसने 60, तो आप बताइए कम बेची या ज्यादा बेची, बस बेचने पर सोचा करो क्योंकि क्वांटिटी के टर्म्स में सारा कुछ खेल किस पर होता है, बेचने वाली मात्रा पर। तो कम बेची ज्यादा बेची, कम बेची इसका मतलब उसने लाभ कमाया हानि कमाई, लाभ कितनी वस्तुओं का लाभ कमाया 10, और 10 का लाभ कितने बेचने पर कमाया 60, तो आप कहेंगे उसे प्रॉफिट होगा कितने परसेंट का होगा, तो 10 वस्तुओं का प्रॉफिट होगा कितने बेचने पर 60, तो ये रेशियो आ गया 1/6, और 1/6 की परसेंटेज सबको रटी पड़ी होगी, आंसर होगा 16 से 2/3%, खत्म क्वेश्चन। कोई भी इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करेगा, देख लो यहां पे कुछ खतरनाक प्राणी होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में दे मारे होंगे, वहां बैठे बैठे ना मजे ले रहे होंगे, तो कोई उल्टी सीधी कैलकुलेशन कर मत देना। क्वांटिटी में अगर बात हो रही है रुपए को सेम है तो रुपा सेम हटा के क्वांटिटी में खत्म करो क्वेश्चन, देख लो यहां पर, और समझ में आया बात। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छी बात है, चलो भाई आंसर बताओ जल्दी फास्ट, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए जल्दी फास्ट, अब आप टाइम वेस्ट ना करें, मुझे आंसर चाहिए जल्दी फास्ट, चलिए भाई आपका टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी फास्ट आंसर करिए। देखिए भाई अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं समझना, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 टॉफियों की दर से टॉफियां खरीदी, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। मजेदार बात देखो गौर से इस क्वेश्चन में, 1 रुपया खरीदने वाले कॉस्ट भी 1 रुपए है, बेचने की कॉस्ट भी 1 रुपए है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर रुपीज जो है वो सेम है,
अगर इस क्वेश्चन में रुपीज सेम है तो सारी की सारी कैलकुलेशन क्वांटिटी में सीधी हो सकती है। अरे क्लियर हुआ? अब आप कहेंगे यार क्वांटिटी में कैलकुलेशन कैसे करें, तो परसेंटेज जो लाभ है ना उसे क्वांटिटी के टर्म्स में पढ़ना, किसके टर्म्स में पढ़ना, क्वांटिटी। बट आधे लोग तो यहाँ पर इतने खतरनाक प्राणी होंगे वो क्वांटिटी के टर्म्स में पढ़ना ही नहीं जानते होंगे परसेंटेज को, परसेंटेज तो तुम्हें रटी पड़ी है रुपए के टर्म्स में। तो एक काम करो, तुम रुपए के टर्म्स में पढ़ लो, तुम्हारे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तुम्हारे बहुत सिंपल सा दिमाग बता रहा हूँ लगाना। आप कुछ मत करो, परसेंटेज लाभ तुम्हें परसेंटेज को आपको गारंटेड रुपए में पढ़ना तो आता है ना, तो रुपए में पढ़ लो पहले और उस रुपए वाली चीज़ को उल्टा कर देना, क्वांटिटी आ जाएगी, क्वेश्चन खत्म। तो देखो भाई पहले काम करते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट जो भी है उसे रुपए में पढ़ ले रहे हैं, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, 140, कितना कितने परसेंट लाभ हुआ, 40%। यानी 100% की वस्तु थी खरीदने की और उस पर 40% आपने लाभ कमाया, तो गारंटेड आपने बेची कितने की, वो 140%। इसका मतलब अगर मैं काटता हूँ तो ये कटेगा आपका 20×5=100 और 20 से 7 बार। बोलो क्लियर हुआ? तो बेटा आप बताइए, अगर रुपए का रेशियो है 5 से 7 तो क्वांटिटी का रेशियो क्या रहेगा बेटा, ये बता दो, 7 से 5, क्योंकि उल्टा कर दो बस। इसका मतलब एक तरह से हमारे अकॉर्डिंग उसने 7 वस्तुएं खरीद कर 5 वस्तुएं बेची हैं। क्वेश्चन के अंदर कितनी वस्तुएं खरीदी गई हैं, 7। अगर 7 की वैल्यू 7 है तो बेची भी कितनी गई होंगी, 5। खत्म क्वेश्चन, आंसर इज ओवर 5। अबे 7 की वस्तुएं 7 हैं, अगर 7 7 है तो 5 5 ही रहेगा, खत्म क्वेश्चन। ये होता है क्वेश्चन करने का तरीका। चलो शायद मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा सबको, है ना, देख लेना एक बार, कोई कमेंट तो नहीं कर रहा समझ ना आया हो किसी को, आ गया ना समझ? चलो बहुत अच्छा। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगेन ऐसा ही क्वेश्चन है, जल्दी फास्ट आंसर बताओ। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, जल्दी फास्ट आंसर बता दो। इसमें ये कह रहा है 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस क्वेश्चन के अंदर मूल्य बराबर कह रहा है, मूल्य बराबर मतलब रुपा सेम है, और रुपा अगर सेम है तो क्वेश्चन को क्वांटिटी में उड़ा सकते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि परसेंटेज लाभ दे रखा है। अब बात बताओ, परसेंटेज लाभ को आप रुपए में पढ़ना तो जानते हो ना, तो रुपए में पढ़ लो और उसे उल्टा करके क्वांटिटी लिख लेना, मजेदार बात। क्वेश्चन खत्म करो। करिए जल्दी फास्ट आंसर। चलो भाई करें स्टार्ट। देखो क्वेश्चन में बताइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने परसेंट लाभ कमाना है बेटा आपको, 28%। 28% लाभ का मतलब पहले एक काम करते हैं, तुम्हारे अकॉर्डिंग ठूठ कुमार भाषा में कर रहा हूँ, ठूठ कुमार भाषा में, देसी भाषा में, अगर 28% लाभ हुआ है तो तुम कहोगे रुपए की बात को 100% में अगर खरीदा तो 28% लाभ कमाया। बोलो यही तो कहोगे भाई आप, तो इसका मतलब कितने बेची बेटा, 128% में। बोलो यही बात है क्या बेटा? एक काम करो, दोनों नंबर को काट दो आप, किससे कट रहा है बेटा, 4 से कटेगा 25 बार, और 4 से कटेगा 4 × 3 = 12, और 4 × 2 = 8 = 32। इसका मतलब अनुपात बनेगा रुपए का 25 से 32। लेकिन रुपा सेम करके क्वांटिटी का रेशियो डायरेक्ट आप उल्टा कर दो, क्योंकि आप ये जानते हो रुपए का उल्टा क्या होता है, क्वांटिटी। अब उल्टा कर क्यों रहे, क्योंकि क्वांटिटी निकालनी है, क्वेश्चन यहीं यहीं खत्म कर देते, दिमाग कम लगाओ। तो आप बताइए 32 से क्या हो गया बेटा, एक तरह से 25। बोलो क्लियर हुआ क्या? इसका मतलब फॉर दिस क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि 32 वस्तुएं खरीदी गई तो 25 वस्तुएं बेची गई। लेकिन आपके आपके क्वेश्चन में कितनी खरीदी गई हैं, 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, x का मान बताना है, यानी 32 वस्तुएं खरीदी गई तो मेरे में भी खरीदी गई 32 है, तो बेची कितनी गई होंगी, 25। खत्म क्वेश्चन, आंसर इज ओवर 25। देख लो, चेक करो, क्या नहीं दिख रहा बे, किसको नहीं दिख रहा साफ साफ, कपिल बेटा आज कौन से मूड में है तू, हैं? मेरा तो मूड बहुत सही है सर, क्लियर नहीं दिख रहा। अपनी एक काम कर बेटा, क्वालिटी को वहां सेटिंग में जाकर चेंज कर ले, 720 कर ले, क्वालिटी सही हो जाएगी। मेरे हिसाब से दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना? चलो अगला क्वेश्चन बताओ। चलो
ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। चलो भाई आंसर बताओ जल्दी फास्ट, सबके सब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए जल्दी फास्ट। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए सबसे। बहुत सही, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। आ गया क्या क्वेश्चन? देखो, एक बेंडर ने एक रुपए में 10 टॉफियां खरीदी, 25% का लाभ हासिल करने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे? इस क्वेश्चन में रुपा सेम है, अगर इस क्वेश्चन में रुपा सेम है तो क्वेश्चन को डायरेक्टली क्वांटिटी में उड़ा दो। अब मैं तुम्हें रुपा से क्वांटिटी बनाना नहीं सिखा रहा, अब थोड़ा दो क्वेश्चन करा दिया, मैं डायरेक्टली क्वांटिटी में पढ़ना बता रहा हूँ। आप बताओ 25% लाभ कमाया, क्वांटिटी में टर्म्स में पढ़ना बता रहा हूँ, डायरेक्टली क्वांटिटी के टर्म्स में। तो आप बताइए, एक तरह से आप ये मान लीजिए कि आप जितनी वस्तु खरीद के लाए वो अपने आप में वस्तुओं की संख्या अपने आप में 100% है। तो आप बताइए, अगर आपने 25% लाभ कमाया तो 25% कम वस्तुएं बेची हैं। अरे वस्तुओं के टर्म्स में सोचो, वस्तुओं के टर्म्स में 25% लाभ कमाने का मतलब है 25% कम वस्तुएं बेची हैं। तो 25% कम कर दो तो 100 से 25 कम करेंगे तो कितना हो गया 75। तो अगर 4 से काटते हैं, 4 से नहीं 25 से, 25 चौका 100, 25 थी 75। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अरे बोलो मैंने कुछ गलती कर दी ना, एक मिनट रुको, नहीं एक मिनट, तुम एक काम करो रुपये में पढ़ो, नहीं दिक्कत हो जाएगी। रुपये से वो क्वान्टिटी को उल्टा करते हैं। 25% लाभ कमाया, 25% लाभ का मतलब 100% में अगर खरीदा तो 25% अधिक कितना हो गया 125, ये हो गया बेटा। आप बताइए, अगर मैं काटता हूँ तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, बोलो क्लियर हुआ? तो रुपए का रेशियो है 4 से 5, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या बनेगा? जस्ट उल्टा, 5 से 4, बोलो क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये है कि रुपा अगर सेम है तो क्वांटिटी वाली बात यहां सेट हो सकती है, मतलब 5 वस्तुएं खरीद के कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए हमें? 4। कितने परसेंट लाभ कमाने के लिए? 25% लाभ कमाने के लिए। लेकिन आप बताइए वस्तुएं खरीदी कितनी जा रही हैं? 10। तो 5 की वैल्यू को अगर 10 बनाना है तो गुना कितना करना पड़ेगा? 2। तो आप 4 का 2 गुना कर दीजिए, क्वेश्चन इज ओवर, आंसर इज 8, खत्म, बेहतरीन सॉल्यूशन। सर समझ में आया बात? तो जो स्टूडेंट मेरी इस बात को समझ जाएगा ना, वो टाइम रहते हुए इस बात को करना फास्ट तरीके से कर देगा कि जो परसेंटेज लाभ है उसको आप क्वांटिटी में पढ़ना सीख जाएंगे और रुपए में पढ़ना सीख जाएंगे। इसलिए बेहतरीन बात यह है कि रुपए में तुम्हें आती थी, क्वांटिटी में बात कभी सेट करनी हो जस्ट उल्टा कर देना उस चीज़ को, अपने आप बात क्वांटिटी में सेट हो जाएगी, क्वांटिटी अपने आप सेट। क्लियर है? बोलो क्लियर हुआ? चलिए भाई, अगर आपको ये बात क्लियर हो गई हो तो आप एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट। Now tell me the answer to this question please, all of you. मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए जल्दी फास्ट। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट। क्या राइट होगा इस क्वेश्चन में? क्या चीज सेम है पहले ये देखिए, रुपा सेम है, क्वांटिटी सेम है, कहीं परसेंटेज निकालना है। तो मजे की बात यह, अगर भाषा पढ़ोगे तो ये कह रहा है कि 40 संतरों का विक्रय मूल्य 50 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो भाई साहब मूल्य बराबर है, किस किस का मूल्य बराबर है? 40 संतरों के बेचने का मूल्य और 50 संतरों को खरीदने का मूल्य। तो इस क्वेश्चन में रुपा क्या है बेटा? सेम। अगर इस क्वेश्चन में रुपीज अगर सेम है तो आप बात क्वांटिटी से डायरेक्ट खत्म कर सकते हैं। क्या आप बताइए कितनी क्वांटिटी खरीदी गई है ये बताइए? 50 संतरों का क्रय मूल्य, क्रय का मतलब होता है खरीदना, इसके अलावा खरीदे गए हैं 50 संतरे, ये बराबर है इनका मूल्य, 50 संतरों के खरीदने का मूल्य बराबर है 40 संतरों के विक्रय मूल्य, यानी 40 के बेचने के बराबर है। तो क्या आप कह सकते हैं कि 50 खरीद कर 40 ही बेचे? तो आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बताइए, 50 क्वांटिटी खरीदी और सिर्फ 40 बेची तो 10 तो घर में रह गई ना, इसका मतलब 10 का प्रॉफिट हो गया एक तरह से। और आप बताइए अगर क्वांटिटी के टर्म्स में अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये प्रॉफिट निकलेगा किस पर, बेचने की मात्रा या खरीदने की मात्रा? बेचने की मात्रा। तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं कि 10 का प्रॉफिट कितने पर? 40। तो 1/4 कितने परसेंट होता है? 25%। आंसर इज ओवर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अरे क्लियर हुआ? तो ये समझ जाइए, टाइम रहते हुए इस बात को समझ जाइए कि क्वांटिटी में कैलकुलेशन भी करनी आनी चाहिए आपको, रुपीज में भी करनी आनी चाहिए, तभी आपकी स्पीड फास्ट हो सकती है। बोलो क्लियर हुआ? बहुत सही।
तौर तरीके समझ आ रहे हैं ना सभी को? वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएं जल्दी फास्ट। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ऑल ऑफ यू। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए जल्दी फास्ट। मजे की बात देखो, क्वेश्चन में बस इतना बात घुमाई गई है कि जहां रुपया सेम है वहां पर रुपए को मजे लेने के लिए 360 डाल दिया गया है। तो तुम काय को अपनी बैंड बजा रहे हो? रुपया सेम है, क्वांटिटी में क्वेश्चन खत्म कर दो और क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है, खत्म। जो अगर क्वांटिटी में पढ़ना सीख गया, प्रॉफिट एंड लॉस समझो उसका बेड़ा पार, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ये देखो कुछ खतरनाक प्राणी आज एब्सेंट है, पता है क्यों? आज मॉइस्चर की छुट्टी हो गई थी, आज मॉइस्चर ऑफलाइन में नहीं आए थे, इसलिए हम ऑनलाइन भी नहीं लेंगे आज, कसम खा रहे हो। तुम्हें तो कल आके देखो क्लास में क्या करता हूँ, तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा बेटा। चलो देखो, यहाँ पर एक व्यक्ति 360 रुपये में 36 वस्तुएं खरीदता है, खरीद ले। वो कह रहा है 360 में कितनी वस्तुएं बेचे, वस्तुओं की वैल्यू पूछ रहा है। यानी क्वेश्चन कैलकुलेशन हमें डायरेक्टली अगर क्वांटिटी में कर दें तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, हमें हेडक का को पेलनी। हमें ये सिरदर्द खराब नहीं करना, अगर क्वेश्चन क्वांटिटी में करना है तो क्वांटिटी में कर दीजिए, अगर रुपीज़ में करना है रुपीज़ में कर दीजिए, बट क्वेश्चन इन आ सिंगल लाइन, खत्म, दैट्स इट। देखो इसके बाद लाभ कितना हो रहा है बेटा उसमें बताइए, 50%। आप बताइए 50% प्रॉफिट है, रुपीज़ सेम है क्वेश्चन में, रुपीज़ क्या है सेम, अगर रुपीज सेम है तो एक बात बताओ 50% प्रॉफिट को आप पढ़ डालो ना यार, रुपए के टर्म्स में पढ़ डालो। लो क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही लाइन में, 50% का प्रॉफिट क्या होगा बेटा बताओ, प्लस 1/2। इसका मतलब 2 रुपए की चीज खरीद कर 1 रुपए का लाभ कमा के कितने की बेच दी, 3 रुपए की। बोलो क्लियर हुआ क्या? 50% प्रॉफिट का मतलब है 50% होता है 1/2, ये रुपए में पढ़ रहे हैं हम, 1/2 का मतलब है 2 रुपए की चीज खरीद कर 1 का लाभ कमा के 3 रुपए की बेच दी। ये तो सबको पढ़ना आता होगा, मेरे हिसाब से सबको आता होगा ये पढ़ना। और बात अगर रुपए में बात सेट करना आ गया तो रुपए का उल्टा कर दो, क्वांटिटी में ऑटोमेटिक सेट है, इस 2-3 को उल्टा सेट मार दो, क्वांटिटी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। कितनी बेटा? 3 से 2, यानी कि खरीदेगा कितनी बेटा वो, 3, बेचनी कितनी पड़ेंगी, 2। कितने परसेंट लाभ के लिए? 50% लाभ के लिए। अब आप बताइए खरीदी कितनी थी उसने, 36, तो 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 36 के बराबर है। अगर क्वेश्चन में 3 की वैल्यू 36 के बराबर है तो गुणा कितना आ रहा है, 12। तो बेटा 2 में गुणा 12 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 12 × 24, आंसर इज ओवर, खत्म। क्लियर है भाई? मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, है ना? चलो बहुत अच्छी बात, मैं आपको बहुत प्यारे प्यारे सॉल्यूशंस करा रहा हूँ बेटा, है ना? बाकी बहुतों को आते भी होंगे, मजेदार बात। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, ये वाला, ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी फास्ट। मुझे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का, आंसर बताओ। बड़ा प्लीज फास्ट आंसर बताएं आप। जल्दी फास्ट फास्ट टेल मी द आंसर। देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा समझना। क्वेश्चन में कह रहा है कि 69 रुपए में एक वस्तु, वस्तु सेम है इस क्वेश्चन में, एक वस्तु को ही 8% हानि पर बेची जाती है और उसी की बात कर रहा है। यदि इसे तो इस क्वेश्चन में क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी क्या है सेम, तो कैलकुलेशन किस में कर दो, रुपए में, खत्म क्वेश्चन। तो आप बताइए ये 69 रुपए में वस्तु बेची जा रही है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर एसपी दे रखा है। लेकिन एक काम करिए, एसपी की वैल्यू को कंपेयर कर दीजिए एसपी की परसेंटेज से, क्वेश्चन यही की यही खत्म है। तो आप बताइए क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है समझना भाई, क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है समझना प्लीज। क्वेश्चन में बोल रखा है कि 69 रुपए में अगर एक वस्तु बेची गई तो उसे 8% की हानि हुई, यानी कि बेचने वाला मूल्य है 69 रुपए और 69 रुपए पर हानि हो रही है कितने परसेंट की बेटा, 8%। तो 8% हानि का मतलब हुआ 100% की वस्तु खरीद कर 8% की हानि पर अगर बेचोगे तो 100% से कम आपको मिलेगा, यानी कि विक्रय मूल्य जो बनेगा ये 69, ये परसेंटेज बनेगा 92% के बराबर। बोलो क्लियर हुआ क्या? इसका मतलब 69 की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है, 92%। इसका मतलब 1 रुपए की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 92% / 69 होगी या नहीं होगी।
अब आपसे कह रहा है तो यदि वह उसी वस्तु को 78 रुपए में बेचे तो उसे कितने परसेंट लाभ या हानि होगी। तो मजे की बात यह है कि 1 रुपए की वैल्यू इतने के एसपी के बराबर है, तो आपको 78 रुपए की वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, तो इस 78 वाली वैल्यू को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो इस 1 में गुणा 78 करोगे तो यहाँ भी गुणा 78 हो जाएगा। अरे बोलिए यार, तो आप 23 से काटो, 23 तिया 69 और 23 चौका 92 और 3 से अगर काटें तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 18, 4 गुणा कर दो तो ये कितने परसेंट आएगा बेटा आप बताइए। 6 चौक 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 104%। आप बताइए ये जो एसपी है ये 100% से ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा। कितना ज़्यादा है? 4%। इसका मतलब लाभ होगा कितने परसेंट का? 4% का। कितने रुपये में बेचने पर? 78 रुपीज़ में। क्वेश्चन इज ओवर, आंसर इज 4% प्रॉफिट। बोलो क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ? तो सुनिए, 69 रुपये में अगर बेचने पर कितने परसेंट? 8% की हानि होती है। इसका मतलब जो 69 रुपये है ये परसेंटेज में 92% के बराबर है। अगर 69 रुपये अगर 92% के बराबर है तो आप बताइए 1 रुपये कितने परसेंट के बराबर होना चाहिए? 92/69 के बराबर। बोलो क्लियर है? तो आप बताइए, वो कह रहा है 78 रुपये में अगर बेचे तो एसपी क्या आएगा? तो 78 का अगर गुणा करेंगे तो ये कैलकुलेशन करके आ रहा है 104%। अगर 78 रुपये 104% के बराबर है तो आप बताइए 104% 100% से ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा। अगर 100% से ज़्यादा परसेंटेज आ रही है इसका मतलब उसे लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 4%। आंसर इज ओवर। बोलो क्लियर है? चलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी के सभी। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। चलो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी फास्ट। अब तो एक लाइन में मूजवानी आंसर आ जाना चाहिए इसका। 27 वस्तुओं का लागत मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका मतलब मूल्य बराबर है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन के अंदर रुपा सेम है तो क्वेश्चन सॉल्व कर दो क्वांटिटी में, तो क्वांटिटी में सीधा सीधा खत्म करो और आंसर बताओ। तो आप बताइए 27 वस्तुओं का लागत मूल्य, मतलब 27 वस्तुएं खरीदी गई, ये बराबर है 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी कि 18 वस्तुएं बेची गई। तो अगर आप 27 वस्तुएं खरीद के ला रहे हो और सिर्फ 18 वस्तुएं बेच रहे हो तो इसका मतलब कितनी वस्तुएं बचा ले रहे हो आप? तो आप कहेंगे मैं 9 वस्तुएं बचा ले रहा हूँ, तो 9 वस्तुएं बचाने के लिए 9 वस्तुओं का हो गया लाभ। और लेकिन वस्तुओं के टर्म्स में हमेशा लाभ आनी किस पर निकलेगा? क्रय वाली मात्रा है, विक्रय वाली मात्रा, विक्रय वाली मात्रा। तो एक तरह से उसे 9 वस्तुओं का लाभ हुआ है कितने बेचने पर? 18। तो अगर काटेंगे तो ये आएगा 1/2 और 1/2 की परसेंटेज बतानी है, आंसर आएगा 50%। आंसर इज ओवर। विच ऑप्शन इज राइट? बी ऑप्शन। समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? अगर समझ गए हो तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट। अरे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन थे रे, क्यों रे बाबा, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कहाँ गया? वेरी गुड, ये वाला क्वेश्चन करो बे, मैं मान जाऊं अगर तुम इस क्वेश्चन करो तो। जल्दी फास्ट, 720 रुपए में बेचने 18 वस्तुएं बेचने पर 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्या निकालना है? क्रय मूल्य, कि एक गेंद कितने रुपए में खरीदी गई। करो बे जल्दी, मैं उसे इंटेलिजेंट मानूंगा जो एक सेकंड में आंसर कर दे। बताइए भाई आंसर क्या आएगा? देखिए एक काम करते हैं, आप बताइए इस क्वेश्चन के अंदर सारी कैलकुलेशन किसमें दे रखी है? क्वांटिटी में, 18 गेंद 6 गेंद। तो एक काम करो, जब गेंदों की बात कर रहा है मतलब क्वांटिटी में बात कर रहा है, तो आप पैसे को सेम कर लो। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं ये मान लेता हूँ कि जो 720 रुपये ये कॉन्स्टेंट है, तो ये इस क्वेश्चन के अंदर जो रुपा दे रखा है 720, पहले मैं इसे कॉन्स्टेंट कर देता हूँ। और अगर मैं इसे कांस्टेंट कर रहा हूं, समझना बे, बेहतरीन अप्रोच बता रहा हूं, बेहतरीन, यानी खरीदने और बेचने का पैसा सेम कर दे रहा हूं 720 रुपए। तो आप बताइए कैलकुलेशन किस में करूंगा मैं? क्वांटिटी में। तो क्वांटिटी में कैलकुलेशन करो, अगर रुपा सेम है तो जितनी क्वांटिटी बेच रहे हो पहले वो खरीदी तो जाएगी,
तो आप बताइए, वो कह रहा है 720 रुपए में 18 गेंद बेचने पर, तो 18 गेंद डायरेक्ट थोड़ना बेच दोगे, पहले 18 गेंदों को खरीदोगे भी तो सही। इसका मतलब 18 गेंद बेचने का मतलब है कि पहले 18 खरीदी और फिर 18 बेची। बोले ये वाली बात समझ आई। और ऐसा करने पर 18 वस्तुएं खरीदकर 18 वस्तुएं बेचने पर उसे 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। यानी कि 6 गेंदों के क्रय मूल्य का मतलब है 6 गेंदों के खरीदने कारण, तो 6 गेंदों को खरीदने की तरफ रख दो। आप बताओ आपको खरीदने से हानि कब होती है? आप खरीदने गए और आप कह रहे हो मैं लुटी आया, तो आप लुटे कब? जब आप कम लेके आए, ज्यादा लेके आए कम, इसका मतलब यह है कि आप माइनस कर दो। इसका मतलब आपने एक तरह से कितनी वस्तुएं खरीदी हैं? 12, और बेची कितनी है बेटा? 18। कितने रुपए में? इन दोनों का रुपा सेम है। इसका मतलब 12 वस्तुएं 720 में खरीदी और 18 वस्तुएं 720 में बेची। अब वो कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। एक आता है हमारे अकॉर्डिंग कितनी वस्तुएं खरीदी गई है बेटा? 12, और कितने रुपए में खरीदी गई है? 720। खरीदने का मूल्य तो कॉन्स्टेंट है ना, 12 वस्तुएं 720 में खरीदी, तो एक वस्तु कितने में खरीदी? तो 12 से काट दो, 12 चौके 72, आंसर आ गया 60 रुपए। बेहतरीन तरीका, क्वेश्चन खत्म। समझे रे बाबू? मेरे बाबू समझे आप? क्वेश्चन खत्म करने का बेहतरीन तरीका है ये। अगर क्वेश्चन के अंदर अगर इंफॉर्मेशन क्वांटिटी में दे रखी है, तो क्वेश्चन को क्वांटिटी में करना सीखो तो रे बाबा। अगर क्वांटिटी में करना तुम सीख गए ना, तो बेटा आप ये समझ लो आपकी आधी हेडक तो खत्म है। मैं इस क्वेश्चन को फिर दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, गौर से समझना। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 720 रुपए में 18 गेंद बेचने पर, तो बेटा उसे 6 गेंदों के क्रय मूल्य मतलब 6 गेंदों के खरीदने कारण उसको हानि होती है। एक बात बताओ, उसने ज़्यादातर डाटा क्वांटिटी में दे रखा है। अगर आपको क्वेश्चन जल्दी उड़ाना है, तो क्वेश्चन को क्वांटिटी में ही करना सीखो। तो इसका मतलब जो पैसा दे रखा है उसे कॉन्स्टेंट कर दो। तो पैसा कितना है? 720। तो 720 को मैंने पहले सेम कर दिया। अगर 720 सेम है, तो सारी कैलकुलेशन क्वांटिटी में करो। अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है 18 वस्तुओं को बेचने पर, तो 18 वस्तुओं को बेचने का मतलब है पहले 18 खरीदी और फिर 18 बेची। आपने कहा बिल्कुल सही है, 18 वस्तुओं को खरीदकर 18 वस्तुएं जब बेची गई, तो उसे हानि हुई। किसके कारण हानि हुई? 6 गेंदों के क्रय माने खरीदने कारण। तो 6 गेंदों को खरीदने के साइड रख दो, और खरीदने के साथ हानि तब होती है जब आप कम खरीद के लाएं, तो इसे माइनस कर दो। तो 18 में से 6 कम हो गया, कितना हो गया? 12। इसका मतलब एक्चुअल में जो बात बोली गई है, उसका मतलब यह है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, और वो मूल्य है कितना? 720। तो इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य की बात पूछ रहा है एक वस्तु की। तो आपने एक तरह से 12 वस्तुएं 720 में खरीदी हैं, 12 वस्तु 720 की, तो एक वस्तु 60 की, खत्म। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में कहता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, तो मेरे लल्ला क्वेश्चन मुझवा नहीं खत्म। 18 वस्तुएं बेची गई कितने में? 720। 18 वस्तुएं 720, तो एक वस्तु 18 चौक 72 40, खत्म क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को इस तरीके से अगर क्वेश्चन करोगे ना, तो आपके कम कैलकुलेशन से और आसान कैलकुलेशन से आंसर आएंगे। चलो मैं एक क्वेश्चन ऐसा भी करवा देता हूँ, अगर हानि की जगह लाभ होता, अगर मान लो हानि की जगह लाभ हो जाता, तो मेरे लल्ला ये बताओ खरीदने कारण लाभ कब होता? जब आप ज्यादा खरीद के लाते, तो यहाँ पे प्लस कर देते। बस लॉजिकल दिमाग, दिमाग को ऐसे बनाओ जैसे गांव के लोग होते हैं, समझ रहे हो? देसी बिल्कुल, आराम आराम से सोचो। जितना आराम से सोचोगे, उतनी अच्छी तरह कर समझ पाओगे। और जितना घुसा लिया दिमाग में मैथ, ले जिंदगी झंड, समझ रहे हो? वही है अभी तक। चलो अगला एक क्वेश्चन और कराता हूँ। देखो ऐसा ही एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाता हूँ, ऐसा ही है ना, ना ये रहा, देखो करो, देखो बेहतरीन क्वेश्चन। विक्रय मूल्य पूछा है एक वस्तु का, पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था, अब क्वेश्चन में एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। लो करके बताओ, तुम कह रहे हो एक प्रैक्टिस भी तो करवा दो, लो प्रैक्टिस करो। अब बताओ, मैंने तरीका तुम्हें समझा दिया क्वेश्चन जल्दी करने का, बेहतरीन तरीका, आंसर बताओ। अगर कोई भी बच्चा मेरी तरह कैलकुलेशन करेगा ना, तो सर जल्दी कैलकुलेशन कर पाएगा। मैं आपको वही फंडे बता रहा हूँ जो बहुत लोगों से अलग हैं, ठीक है?
जो मैंने क्वेश्चंस के फंडे बताए हैं ना, इसमें आपको बहुत कम लोग बताएंगे ये सर। जल्दी बताओ, आओ देखो। रमेश 75 वस्तुएं 10,800 रुपये में खरीदता है और उसको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो बताइए एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ज्यादातर सारी बात इसने क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी में बोली है, तो कैलकुलेशन अगर जल्दी कर रही है ना क्वेश्चन के अंदर, तो बेटा क्वांटिटी में ही उड़ाओ कैलकुलेशन को, और क्वांटिटी में कैलकुलेशन तब हो पाएगी जब रुपा सेम हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो रुपए है ना, ये 10,800, इसे कॉन्स्टेंट कर दो। 10,800 रुपए को सेम मान लो कि हमारे अकॉर्डिंग खरीदने और बेचने का पैसा सेम है भाई ये। अब क्वेश्चन को सारी को कैलकुलेशन क्वांटिटी में ही करो, क्वेश्चन को लाइन टू लाइन पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला ना गांव की तरह से सोचो, बिल्कुल गांव वाले देसी होते हैं ना, बिल्कुल देसी। शहर वालों की तरह मत सोचना, ये सारे इंग्लिश प्रोडक्ट हैं सबके सब, ठीक है, गांव वाले की तरह देसी। यहां देखो, रमेश 75 वस्तुओं को खरीदता है और उन्हें फिर बेचेगा। तो 75 वस्तुएं खरीदी, उसके बाद उसने उन्हें बेचा, मान लो 75 को बेचा, तो भाई 75 खरीद के जब 75 बेचेगा तो ये भी तो कहेगा कि मुझे लाभ हुआ या हानि हुई। वही बात आगे बोल रहा है, तथा उसको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। यानी कि भाई साहब आज उसे हानि उठानी पड़ रही है, लेकिन किस कितनी हानि उठानी पड़ रही है, 5 वस्तुओं के विक्रय, विक्रय माने बेचने, तो इस 5 वस्तुओं को बेचने के साइड लिखो पहली बात तो। और बेचने कारण हानि कब होगी, जब ज्यादा बेच दोगे या कम बेच दोगे, अपने घर को लुटा दोगे या आबाद कर दोगे, तो लुटा दोगे, लुटाएंगे कब, जब ज्यादा बेच दें, तो आज प्लस कर दो बस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि 75 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। और आप बताओ वो मूल्य दे भी तो रखा है 10,800, इसका मतलब 75 वस्तुएं 10,800 रुपए में खरीदी गई और 80 वस्तुएं 10,800 रुपए में ही बेची गई। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। एक बात बताओ, 80 वस्तुओं को बेचने का मूल्य आपको पता तो है, 80 वस्तुओं को बेचने का मूल्य आपको पता तो है, कितना है क्वेश्चन में 10,800। तो आप बताइए 80 वस्तुएं 10,800 की हैं, तो एक वस्तु कितने की आएगी, 8 से काट दो, तो एक वस्तु कितने की आएगी बेटा, 8 एकम 8 और 8 6 48, 160, 135 सॉरी, कितना आएगा बेटा आंसर, 135। खत्म क्वेश्चन। 8 एकम 8, 2 बचेगा 28, 8 3 24, 2 बचा 20 हो गया, 8 5 40, आंसर इज 135। देखो बेहतरीन कैलकुलेशन। बेटा समझ में आया, देख लो तुम तौर तरीके, देखो आप सिर्फ ये देखो कि आपको कैलकुलेशन बड़ी आसान लग रही है, बहुत टफ लग रही है। मैं आपको बस ये चाह रहा हूं कि आप अपने दिमाग से ये फितूल निकाल दें कि ये इसके अंदर कोई खतरनाक मैथमेटिक्स लगती है। मैथ तो बेटा ये है ही नहीं। मैं हर स्टूडेंट से ये कहता हूं कि जो आप पढ़ रहे हो ना, ये मैथमेटिक्स नहीं है। दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड, टोटली दिस इज अ आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। यानी कि आपसे बस ये चेक किया जा रहा है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के उसका कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन खत्म करना आता है या नहीं आता। और ये सारी चीज़ें आईक्यू जो होता है ना, क्वेश्चंस को चुटकियों में करने की जो पावर होती है, वो मोस्टली मैंने देखा है वो गांव के लोगों में बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए मैं गांव के लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ देसी लोगों को। तो इसलिए देसी लोग जितने हैं ना, उनकी तरह दिमाग लगाना सीख जाओ, जल्दी मैथ सीख जाओगे, समझ गए आप। बाकी शहर वालों की तरह है ना, ये चाचू चूचू मत करना, ठीक है। बेहतरीन तरीके, अगर क्वेश्चन करना है बेहतरीन तरीके से करो। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, देखो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि रमेश ने 75 वस्तुएं 10,800 रुपए में खरीदी और उसे ऐसा करने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। आप ये बताओ, मोटी मोटी बात बताओ, इस क्वेश्चन में सारा डाटा क्वांटिटी में पड़ा है। अगर सारा डाटा क्वांटिटी में पड़ा है तो रुपए को सेम कर डालो आसान कैलकुलेशन के लिए। तो आप बताइए पैसा है कितना, 10,800। मैंने इसी को ही बराबर कर लिया, मैंने मान लिया कि इतने रुपए में मैं खरीदूंगा, इतने रुपए में बेचूंगा, लेकिन क्वांटिटी जो डाटा है उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करूंगा। अब देखो क्वांटिटी वाले डाटा, वो कह रहा है कि 75 वस्तुओं को खरीदने गया, 75 वस्तुओं खरीद के घर में रख दी। अब भैया देसी तरीके से बोलो, 75 जब खरीद लाए तो 75 बेचोगे भी लाभ आने के लिए, तो 75 खरीदी तो 75 बेची।
अब ऐसा करने से आपको लाभ हानि भी होगा। उसकी बात बोल रहा है वो, उसको पांच वस्तुओं के विक्रय, तुम्हें तो दिमाग भी नहीं लगाना है, लैंग्वेज देख लो बस, पांच वस्तुओं के विक्रय के कारण हानि हो रही है, यानी पांच वस्तुओं को बेचने के कारण। तो ये पांच वस्तुओं किधर को टांगनी चाहिए, खरीदने की साइड बेचने की साइड, तो इन्हें टांग दो बेचने की साइड, और पांच वस्तुएं बेचने की साइड लिखी। और बेचने के कारण हानि कब होगी, जब आराम से पी पा के ना बेचते जाओ, घर बर्बाद करते जाओ बे, बढ़िया हानि होगी। तो इसलिए ज्यादा बेचने के लिए प्लस करना है, मोटा मोटा देसी दिमाग। तो 75 वस्तुएं से पांच वस्तु फालतू बेचनी पड़ेंगी, इसका मतलब खरीद के लाया होगा 75 और बेची होंगी 80, तभी तो उसको ऐसा हुआ होगा कि पांच वस्तुओं के विक्रय के कारण हानि हो गई होगी। बस डाटा सेट हो गया। अब आप बताओ वही पैसा आपको दे रखा है, 75 खरीदने का पैसा 10,800, 80 के बेचने का पैसा भी 10,800। क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, मैं कह रहा हूँ तू एक वस्तु का विक्रय क्यों पूछ रहा है, क्रय भी पूछ ले, एक सेकंड में खत्म। 75 का भी ये आ रहा है, 75 इतने की, तो एक डायरेक्ट काट दो क्वेश्चन, एक वस्तु का खत्म। तो क्वेश्चन बहुत आसानी से खत्म है ना यार, चलो बहुत अच्छी बात। वैसे जितने भी गाँव के लोग होंगे वो मुझे सपोर्ट कर रहे होंगे दिल से, और जितने भी शहर वाले होंगे ना वो अभी स्टार्ट हो गए होंगे, है ना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलोगे है ना। ये शहर और गांव के सुन लो भाई, शहर में जो लोग आए हैं वो कहीं से नहीं आए, वो गांव से आए हैं, है ना। तो तुम भी बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारा भी सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम भी गांव से ही निकले हो भाई। हमारे जितने भी मम्मी पापा हैं वो सब गांव से आए हैं, शहर बना किससे है, गांव से शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो तुम कभी शहर, ये जितने भी गांव वाले हैं पहले तो दिल पे ले गए मेरी बात, और कह रहे होंगे गुरुजी ने क्या बोल दिया, अरे गांव और शहर में बर्बादी मचाएंगे। अबे तुम भी गांव से थे कभी ना कभी, टेंशन मत लो, तुम भी बहुत हो, यानी सबके गांव के सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अब क्वेश्चन का आंसर बताओ तुम, ठीक है, मेरे से सीखो कैसे प्यार से लेनी हो। जो देसी होगा उसकी मैथ भी मजेदार होगी, ये मैं पहले कह दे रहा हूं। देखो आइए भाई करें भाई स्टार्ट। देखो ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम सारा डाटा, मीटर, इतना मीटर, इतना मीटर, ये मीटर, वो मीटर, ये क्या है क्वांटिटी, पैसे की तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर पैसे का मतलब नहीं है तो भैया कुछ मत करो, क्वेश्चन को क्वांटिटी में सॉल्व करेंगे, रुपए को सेम मानेंगे, खत्म। हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे, हम क्वांटिटी में करेंगे, हम नहीं कर रहे रुपए में। आधे लोग करेंगे गुरु जी रुपए में करो, रुपए में नहीं करूंगा मैं क्वांटिटी में करूंगा। देखो एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर, ये बताओ ये व्यक्ति 20 मीटर कपड़ा बेच कैसे देगा, औकात कैसे है, पहले खरीदने जाएगा ना, तो पहले 20 मीटर को खरीदेगा तभी तो 20 मीटर बेचेगा, सही बात है। अब तो तुम्हें लैंग्वेज समझा दूंगा, एक एक मतलब समझ आएगा तुम्हें। एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर, इसका मतलब बेचने के बाद का मतलब ये नहीं है 20 मीटर बेच दिया उठा के, पहले 20 मीटर खरीद के ला तब बेच, और जब वो 20 मीटर खरीद के 20 मीटर बेचेगा तो उसे कुछ लाभ आनी होगी, वही बात आगे बोल रखी है। देखो उसे 4 मीटर कपड़े के विक्रय मतलब बेचने के बराबर, तो इस 4 मीटर को पहले तो बेचने के साइड डाल दूं, विक्रय के बराबर लाभ होता है। अबे लाभ हो रहा है, आप बताओ बेचने कारण लाभ कब होगा बे, जब जितना हो सके घर में भरो, देखो कम बेचेंगे हम, तो हम नहीं बेच रहे, हम तो कम बेच के कमा लेंगे इतना, समझ रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि लाभ अगर हो रहा है बेचने कारण तो आप कम बेच रहे हैं, तो आप बताइए इसका मतलब आप बेच कितनी रहे हैं, 20 से 4 कम कितनी बेच रहे हैं, 16 मीटर। इसका मतलब खरीद के लाए थे तुम 20 मीटर कपड़ा और बेचा है सिर्फ तुमने 16 मीटर कपड़ा, तभी तो 4 मीटर रख लिया और 4 मीटर का लाभ कमा लिया, समझ गए आप। तो आप बताइए 20 मीटर खरीद के अगर सिर्फ 16 मीटर बेचा तो कितने का लाभ कमा लिया, 4 मीटर का, और 4 मीटर का लाभ क्वांटिटी में किस पे निकलेगा, और परसेंटेज निकालने, बेचने की मात्रा, खरीदने की मात्रा, मात्रा में हमेशा कैलकुलेशन होती है बेचने वाली पर। तो 4 का लाभ हुआ कितने पर, 16, तो इसे काटेंगे तो 1/4, और 1/4 की परसेंटेज क्या होती है, 25%, खत्म क्वेश्चन। देखो भाई ये होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के प्यारे प्यारे तरीके, समझे आप। अबे समझे रे बाबा, चलो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, है ना। अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझ आया, क्लियर है कैलकुलेशन, अब तो रुपए में और क्वांटिटी में उड़ाना सीख गए ना सब, बहुत अच्छी बात। बस ये देखो कि हमें किससे कैलकुलेशन करनी है, तुम्हें खुद से सीखनी है मैथ यार। चलो बे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, जल्दी फास्ट, ये तो सिंपल क्वेश्चन है बे, ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इतने रुपए में खरीद के लाया,
इतने रुपए की हानि हुई, इतने परसेंट की, 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य निकालना है। तो जब मूल्य निकालना है तो रुपए में ठोक डालो, खत्म करो बे, खत्म। अबे यहां क्वांटिटी अलग अलग है, ये पैसा जो दे रखा 345 वो एक कैलकुलेटर का है, तो इस एक कैलकुलेटर वाले प्राइस को यूज करोगे तो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य आएगा, लेकिन आपको विक्रय मूल्य निकालना है 28 कैलकुलेटर का। बताओ आंसर। वेरी गुड। देखो बे, एक लाइन में खत्म करते हैं। यहाँ देखो बे, मैंने बोला भी था तुम सीख लो कुछ। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गौर से सुनना भाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कैलकुलेटर 345 का आता है, ठीक है, आ गया भाई। लाइन टू लाइन पढ़ना बे, एक कैलकुलेटर 345। अब हमें रुपया निकालना है तो क्वांटिटी को सेम रखना, ठीक है। मतलब एक ही कैलकुलेटर पर बात करेंगे हम, पहले एक कैलकुलेटर पर बात करेंगे पहले, ठीक है। तो रुपए में कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, रुपए में। तो एक कैलकुलेटर लेके आए 345 का, ले आए भाई, उसी को उठा के 40% की हानि पर बेच दो। 40% हानि का मतलब हो गया 100% का अगर कैलकुलेटर था तो 40% कम पर बेचा गया, यानी बेचा कितने पर गया, 60% पर। किसका 60% निकालोगे, तो ये एसपी है, लेकिन ये जो एसपी 60% निकलेगा ये किसका निकलेगा बेटा, 345, तो गुणा 345 भी कर दो, आपने कर दिया। लेकिन आप बताओ, ये क्वांटिटी अगर सेम है और वो भी एक कैलकुलेटर है, तो ये जो आएगा ये कितने कैलकुलेटर का आएगा, आप कहेंगे एक कैलकुलेटर का आएगा, सही बात है या नहीं है, बताओ। आप कहेंगे ये आंसर कितने कैलकुलेटर का है, एक कैलकुलेटर का। आपसे कह रहा है 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य बताओ, तो मेरे लल्ला ये बताओ क्या कर दोगे, एक कैलकुलेटर के मूल्य में 28 से गुणा कर दोगे, 28 का आंसर आ जाएगा। लेकिन आप एक बात बताओ, इस कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी, अगर कैलकुलेशन करने में कभी भी टाइम लगे तो मेरे लल्ला कुछ मत करना, डिजिटल सम अंकों का योग लगा देना, तो इसका कैलकुलेशन अंकों के योग से कर दो। किससे कर दो, अंकों के योग से, खत्म करो कैलकुलेशन। तो बताइए 6 और 0 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 का मतलब हो गया 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, और 8 और 2 10, 10 के 1 और 0 को जोड़ेंगे 1 आएगा, गुणा करोगे 6 18 का मतलब 9। तो आपका आंसर वो राइट है जिसका आंसर में अंकों का योग 9 है। चलो भाई 9 देखते हैं। पहली बात, इस 9 को हटाओ, 7 और 6 13 और 5 18, 18 का आंसर 9 आ रहा है, हमें 9 ही चाहिए, आंसर सही हो गया। अब इसको देखो, 5 और 2 7 5 और 2 7 7 और 3 7 और 2 9, बेटा इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, अब रुको, 2 5 और 3 8 और 1 9, कितना बच गया बेटा, 6, इसका मतलब ये गलत है। आइए भाई, 7 और 5 12, 12 और 6 18 का 9 ये हटा दो, क्या बच गया बेटा, 8, ये भी गलत है। आप बताओ 7 और 2 9 को हटा दो, 8 और 6 14, 14 का मतलब हो गया 5, ये भी गलत है। लो कैलकुलेशन खत्म, समझ गए आप। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी कैलकुलेशन में फंसो, अंकों का योग लगा देना, क्वेश्चन खत्म, दैट्स इट। सर जी दोबारा समझाओ, ले दोबारा समझ। एक कैलकुलेटर देसी देसी देसी, देख यहां, देखिए भाई, एक कैलकुलेटर कितने का, 345। एक कैलकुलेटर 345 का खरीद के ले आया मैं, 40% की हानि पर बेचा, इसका मतलब 100% का अगर वो खरीदा, 40% कम कमाया, तो कितने परसेंट में बेचा मेरे लल्ला, तो आप बोलेंगे 60% में। तो जो एसपी है वो कितने परसेंट बन रहा है, 60%। लेकिन एसपी जो है वो परसेंटेज अगर कैलकुलेट करोगे तो किस पे करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस की सारी कैलकुलेशन होती किस पे, रुपए के टर्म्स में, सीपी। और वो सीपी है कितना एक कैलकुलेटर का, 345। तो 60% किसका निकालेंगे, 345। तो ये जो आंसर आएगा वो कितने कैलकुलेटर का आएगा, एक कैलकुलेटर का। एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य आ गया समझ। अब वो कह रहा है तो बताइए 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक कैलकुलेटर का अगर पता है 28 का निकालना है तो गुणा 28 कर दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको लगा कि इसकी कैलकुलेशन करने में जिंदगी झंड है, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं हमारी तो कैलकुलेशन नहीं होगी, तो एक बार को आप थोड़ा सहारा लीजिए अंकों के योग का, क्या पता जिंदगी बन जाए, और बन भी गई जिंदगी। देखो
अंकों का योग करें तो 6 और 0, 0 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, इनको जोड़े 4 और 5, 9 और 3, 12, 12 का मतलब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, 8 और 2, 10, 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा 1, अगर इसको गुणा करें 6 3 18 18 का मतलब हो गया 9, इसका आंसर वो राइट है जिसका आंसर होगा 9। तो आप बताइए 9 9 हटा के चेक करिए किसका आंसर 9 है, 9 हटाया 7 और 6 13 और 5 18 है, 18 का अंकों का योग 1 और 8 को जोड़ोगे 9 ही आएगा, यही सही है। बाकी सबको चेक कर लो, इसका 6 आ रहा है, इसका 5, इसका 8, ये सब गलत है। तो हमसे कौन सा राइट हो गया बेटा, ए ऑप्शन। अब तो समझ आ गया होगा, अब तू कहेगा हाँ समझ आ गया बेटा। देसी देसी ना बोला कर छोरी जाए, बेटा इसका आंसर कर दो। तेसी ना भूलिया कर चोरी रे, इस तेसी की पहनी दुनिया हो रही रे। बेटा आंसर बताओ आप, यस वेरी गुड। देख ले बेटा सुनील, तू ही देख ले, टाइम वेस्ट करवा रहा है बार बार रिपीट करवा के ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को। कोई बात नहीं, चलो आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बे। जल्दी बताओ बे आंसर, करें भाई स्टार्ट। देखो भाई इस क्वेश्चन को करने का बेहतरीन तरीका क्या है वो और सुनो। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है 480 और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है 480। ये 480 देने का एग्जामिनर का मोटिव सिर्फ एक ही है, और वो मोटिव क्या है कि पहली वस्तु का तो CP1 और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब SP2, ये दोनों को बराबर होना है, ये कंडीशन है क्वेश्चन की। बस इस बात को देकर वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको पहली वस्तु का सीपी और दूसरी वस्तु का एसपी आपको बराबर करना है। अरे समझ गए क्या, अब आगे पढ़ो। उसने कहा कि पहली वस्तु को, अब पहली वस्तु ये और दूसरी वस्तु ये, मैं इस क्वेश्चन में सीपी और एसपी का रेशियो लिखूंगा बस। अरे क्लियर है, पहली वस्तु को वह 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% लाभ का मतलब प्लस 1/5, इसका मतलब 5 रुपए की कर खरीदी तो 1 का लाभ कमा के 6 की बेची, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा, 20% हानि का मतलब हो गया माइनस 1/5, यानी 5 रुपए की खरीद कर 1 रुपए की हानि मतलब 4 रुपए की बेची, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये बताइए इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर कंडीशन ये कह रही है कि पहले का सीपी मतलब ये 5 और दूसरे का एसपी मतलब ये 4, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, क्या ये दोनों बराबर हैं क्या नहीं है? अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो बेटा इन्हें बराबर करो, तो 4 और 5 कहाँ बराबर हो सकते हैं, तो आप कहेंगे 20 पर हो सकते हैं, तो इसे 20 बनाने के लिए 4 गुना करना पड़ेगा। अगर इस रेशियो की ये वाली वैल्यू अगर 4 गुना होगी तो इस वाली वैल्यू को भी 4 गुना करना पड़ेगा, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। आप बताइए इसे अगर 20 बनाना है 4 को तो इसे कितने गुना करना पड़ेगा, 5 गुना। अगर इस रेशियो की ये वाली वैल्यू अगर 5 गुना हो रही है तो ये वाली वैल्यू को भी कितना गुना करना पड़ेगा, 5 गुना। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अब ऐसा करने से आपका ये वाला वैल्यू भी 20 हो गया और ये वाला वैल्यू भी क्या हो गया, 20। अब अगर क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया तो टोटल बात पे बात करो, क्योंकि कुल हानि की बात पूछी है। तो आप एक काम करो, एक लाइन में टोटल निकाल दो, टोटल के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 5 का 20 ये हो गया, 5 25 ये हो गया, तो 20 और 25 कितना हो गया टोटल मिलाकर, 45। यानी 45 में दोनों खरीदी गई हैं। और आप बताइए 6 चौक 24 ये है विक्रय और 5 चौक 20 ये है, 20 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 44। इसका मतलब 45 की खरीद के बेची कितने की गई है बेटा, 44। तो इसका मतलब हानि हुई है, लाभ हुआ है, हानि कितने की, हानि कितने की हुई, 1 की। लेकिन आपको इसी 1 की वैल्यू बतानी है, तो इस वैल्यू को अगर बताना है तो सर आपको एक मल्टीपल पता करना पड़ेगा, और मल्टीपल पता करने के लिए 480 दे तो रखा है, तो इस क्वेश्चन में कुछ मत करिए, यही वैल्यू आपको 480 रुपये दे रखी थी। तो आप बताइए आपके अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू है तो 20 ना,
ये रही ना 20, यही 20 वैल्यू तो आपको दे रखी 480। तो 20 की वैल्यू अगर 480 है तो बेटा एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 0 से 0 और 2 से काट दो तो ये 24 को गुणा पर बैठी है बात। बोलो क्लियर हुआ? तो आपको अगर एक रुपए की हानि बतानी है तो गुणा 24 कर दीजिए, तो एक रुपए की हानि में गुणा 24 करेंगे तो आंसर भी 24 रुपए की हानि आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट हो जाएगा बेटा? आंसर सी ऑप्शन। समझ गए क्या ये क्वेश्चन? अरे समझ गए क्या ये क्वेश्चन? क्लियर हो गया आपको बेटा? क्लियर हो गया क्या? बेटा यहां तक बात क्लियर है क्या? अगर ये बात क्लियर हो गई हो, चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अभी थोड़ी देर पहले करवाया था मैंने ऐसा क्वेश्चन, अभी कैलकुलेटर वाला एक क्वेश्चन करवाया, आंसर बताओ। ऐसा ही क्वेश्चन है ये, सेम टू सेम। कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और आंसर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अभी एक क्वेश्चन और लेके आऊंगा, जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था ऐसा ही एक क्वेश्चन और भी पूछा है जीडी ने, ठीक है, उसे करेंगे और सारी चीजें खत्म करेंगे। इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ पहले। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देसी देसी भाषा पढ़ो, देसी देसी में क्वेश्चन सोल्व करो, देसी देसी ना भूल जा कर। बेटा आ गया आंसर? देखिए भाई क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 128 रुपए प्रति बैग की दर से बैग खरीदा, यानी कि एक बैग का खरीदने का मूल्य दे रखा है 128। यदि वह उसे 20% लाभ पर बेचता है तो 15 बैगों का विक्रय मूल्य बताओ। तो एक बैग का क्रय मूल्य पता है, उसे 20% लाभ अप्लाई करके एक बैग का विक्रय मूल्य निकाल लें। एक बैग का विक्रय मूल्य जब आ जाए तो उसमें गुणा 15 कर देंगे तो 15 बैगों का विक्रय मूल्य हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, तो क्वेश्चन खत्म करो। तो एक बैग कितने का खरीदा था बेटा? 128, लेकिन बेचा कितने परसेंट लाभ पर? 20। अगर बेचा 20% लाभ पर तो विक्रय मूल्य कितने परसेंट हो गया बेटा? 100% का खरीदा, 20% लाभ कमाया तो विक्रय मूल्य कितने परसेंट हो गया? 120%। लेकिन 120% किसका निकालेंगे बेटा? सारी कैलकुलेशन सीपी, सीपी है कितना बेटा? 128। तो 120% किसका निकालेंगे? 128 का। बोलो क्लियर हुआ क्या? अरे बोलो क्लियर हुआ क्या? और आप बताओ ये पूरा मूल्य कितने का है बेटा? आप बताइए जल्दी फास्ट। अरे कितने का मूल्य है बेटा बताओ? एक कैलकुलेटर का निकालने कितने का है? 15 का। तो गुणा 15 और कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। अगर आपको कैलकुलेशन करनी, आंसर आ गया, आंसर इज ओवर, लेकिन कैलकुलेशन करनी है बस कैलकुलेशन कर लो। 120/100 अगर काटोगे तो 20 से काट दो, 20 चिकी 120 और 20 5 100, 120। 20% लाभ का वैसे देख लो, 20% लाभ का रेशियो क्या होता है? +1/5, 5 पर 1 का लाभ तो नेट 6/5 ही आएगा। 6/5 गुणा 128 गुणा 15 यही आएगा ना बेटा? 5 3 15, 6 का गुणा कर दो पहले, तो 6 का गुणा अगर हम करें बेटा आंसर कितना आएगा? 6 8 48। अरे क्लियर है? और 12 6 72, 72 और 4 76, और अभी गुणा 3 और बचा है, 3 और 3 8 24 और 3 6 18 18 और 2 20 और 3 7 21 21 और 2 23, तो आंसर होगा 23 04। विच ऑप्शन इज राइट? बी ऑप्शन। बोलो समझ में आया? हाँ बेटा डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, नो डाउट। चलो डिजिटल सम से देख लेता हूँ, क्या पता डिजिटल सम सेम आ रहा है क्या ऑप्शन का। पहले काम करते हैं बेटा डिजिटल सम से देख लेते हैं, पहले ऑप्शन का डिजिटल सम देख लो, फिर तो मैं डिजिटल सम से कर दूंगा। 6 और 1 7, 4 और 3 7 और 2 9, 9 कटाओ 4 और 2 6 और 1 7। आप बताओ ये कितना आ रहा है? 8 और 1 9, 8 और 6 14, 14 का मतलब कितना हो गया? 5। अब आप बताओ तुम्हारी कैलकुलेशन का डिजिटल सम कितना बन रहा है? तुम्हारी कैलकुलेशन डिजिटल सम देखो,
एक बात बताओ इसका डिजिटल सम कितना आएगा बेटा बताओ, 2 और 1 3, 8 और 1 9 आओगे तो ये आएगा 2, 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 12 का मतलब हो गया 1 और 2 मतलब 3, और 3 9 3 9, तो आपका आंसर वो राइट होगा जिसका डिजिटल सम 9 होगा। बताओ कौन सा ऑप्शन का 9 है बेटा आपका, बी ऑप्शन। तो डिजिटल सम से भी क्वेश्चन हो रहा है बेटा, ये क्वेश्चन डिजिटल सम से भी हो रहा है। हाँ डिजिटल सम से किया है, बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, डिजिटल सम से किया है। तो चलिए भाई अब आपको क्लियर हुआ बेटा ये वाले सारे क्वेश्चंस। चलिए अब तो सब हो गए। चलिए बेटा आज के क्वेश्चंस मैंने सारे कंप्लीट कर दिए, ओके, बहुत अच्छा लगा, ठीक है आज। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि बेटा कल आपका लास्ट क्लास होगी प्रॉफिट एंड लॉस की, और उस क्वेश्चन उस क्लास के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस ओवर हो जाएगा, ठीक है। आपकी ये दोनों क्लासेस का आप रिवीजन कर लेना प्लीज़ बेटा। सब सीरियसली एक बात सुन लीजिए गौर से कि सब के सब जितने भी बच्चे हैं, आप जितने भी लाइव देख रहे हो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सारी चीज़ों को सीरियसली एक बार रिवाइज भी किया करें। जैसे आप लाइव क्लास ले ली तो आप मान लीजिए सुबह जब उठें या फिर जब क्लास आए, जब आपका फ्री टाइम हो, तो उस चीज़ को आप रिवाइज भी करें। बोलो क्लियर है बेटा, है ना। और दूसरी बात यह है कि कल हम इस चैप्टर को पूरी तरह से एंड कर जाएंगे, और अब आप कल अगर हम एंड कर देंगे तो मेरे हिसाब से आपका रेशियो वाला चैप्टर हो जाएगा ओवर, वो हो चुका है। पार्टनरशिप भी मेरे हिसाब से ओवर हो चुका है, इसके बाद में एवरेज भी आपका ओवर हो चुका है, इसके बाद में परसेंटेज भी आपका ओवर हो चुका है, और प्रॉफिट एंड लॉस भी कगार पर चल रहा है, एक क्लास बची है, ये भी ओवर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। तो आपके ऑलमोस्ट आपके 5 चैप्टर्स, बड़े बड़े चैप्टर्स आपके मोस्टली ख़त्म हो जा रहे होंगे, क्योंकि एक बात और ध्यान रखना, पूरे अर्थमेटिक के अंदर 3 चैप्टर्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहता है, रेशियो का, एवरेज का और परसेंटेज का। और आई थिंक मैंने ही ये तीनों के तीनों ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा चुका हूँ। अरे क्लियर है या नहीं है, इसका मतलब ये तीनों को ढंग से करिए, जितना आप ढंग से करेंगे इन तीनों को, आपकी अर्थमेटिक में कमांड उतनी अच्छी रहेगी। अरे क्लियर हुआ। चलिए बेटा अब हम कल देखेंगे। अच्छा मैं एक बात और पूछ ले रहा हूँ, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको कोई डाउट हो, मैं सामने मोबाइल है देख लो, कोई भी बच्चे को कोई दिक्कत हो, कोई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो ये कहते हैं कि हम सर ऑफलाइन में नहीं मिल पाते आपसे, तो ऑनलाइन में अब वो वैसे कमेंट कर नहीं पाएंगे, मैं उनके कमेंट देख नहीं पाऊंगा, तो आज मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आपको जो डाउट हो आप मेरे से पूछ लें जल्दी फास्ट, जो भी दिक्कत हो रही हो आपको मैं बताऊंगा। आपको जो कोई भी दिक्कत हो रही हो, क्लासेस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही होगी, सर ये क्लास के अंदर आप ऐसे भी करा दो, थोड़ा सा हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, आप मेरे से डिस्कशन कर लें, आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ जल्दी फास्ट। सर जी कल वाला फर्स्ट क्वेश्चन, कल वाला फर्स्ट क्वेश्चन, कल वाला फर्स्ट क्वेश्चन अभी देखता हूँ, बाकी टाइप करते रहो, है ना। ये वाला क्वेश्चन ना बेटा, इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या क्या दिक्कत आ गई इसमें, बताओ। एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है बेटा, ये विक्रय मूल्य है 638 तथा लाभ 45% हुआ, तो उसका लाभ बताइए। तो बेटा बताइए प्रॉफिट जो निकालना है, तो प्रॉफिट हो कितने परसेंट रहा है बेटा उसे, 45%। अरे क्लियर है, लेकिन 45% निकलता किसका है बेटा, सीपी का। लेकिन इस क्वेश्चन में सीपी नहीं दे रखा, क्वेश्चन के अंदर विक्रय मूल्य दे रखा है। अब आधे लोगों ने जो मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन्होंने गलती यही की है कि इन्होंने जल्दबाजी में 638 को क्रय मान के कैलकुलेशन ये कर दी होगी, 45% गुणा 638, और आपने आंसर बता दिया होगा ए ऑप्शन, आपका ए ऑप्शन आ रहा होगा। अरे क्लियर है ना, इसलिए आपको लग रहा हो कि सर ने गलत कराया, मैंने बिल्कुल सही कराया था, क्योंकि वहां पे विक्रय मूल्य बेटा वो, सर समझ में आई बात आपको, तो ध्यान रखना बेटा यही गलती हो रही होगी आपसे। अब आप क्रॉस चेक कर लेना, आंसर सही आएगा। देखो मैं दोबारा करवा दे रहा हूँ, 45% देखो मैं करवा दे रहा हूँ, गौर से सुनो, 45% की रेशियो क्या होती है, 45% लाभ, 5% होता है 1/20, 5 का 9 गुना तो 9/20। बोलो क्लियर हुआ,
इसका मतलब 20 रुपए की चीज खरीदी, रुपए में बात पढ़ रहा हूं, 20 रुपए की चीज खरीदी, 9 रुपए का लाभ कमाया, कितने की बेची बेटा 29। आप बताओ जो विक्रय मूल्य दे रखा है 638 से कंपेयर किससे होगा, विक्रय से 29 से, तो 638 से कंपेयर कर दो, तो आप बताओ 29 से अगर इसको काटें तो कितनी बार कटेगा बेटा, 9 को अगर 8 देखें तो ये 2 आएगा यहाँ पर, और अप्रोक्स जो संख्या बची इसको अगर इससे काटें तो बेटा ये 2 बार कटेगा, 22 गुना आएगा, और अगर ये 22 गुना आया तो लाभ हमारे अकॉर्डिंग है कितना बेटा 9, तो 9 में अगर गुना 22 करेंगे तो 9 दुनी 18 और 9 दुनी 18 और 1 19, तो आंसर इसका बी ही ऑप्शन आएगा बेटा, मैं बोल तो रहा हूँ आपसे। क्या कह रहे थे बाकी लोग, मैं पढ़ ले रहा हूँ, डिजिटल सम, नो सर, सर जी एक क्वेश्चन समझा दो, नहीं आया था, ठीक है, नो सर, सर जी फर्स्ट वाला बता दिया मैंने, सर मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आती है, बेटा अगर लैंग्वेज समझ नहीं आती है ना तो थोड़े टाइम के लिए मैं आपसे ये कहूँगा, जिसके अभी दिख डाउट है ये, अगर आपको मैथ के अंदर लैंग्वेज समझ नहीं आती है ना तो आप क्वेश्चन को थोड़ा स्लो स्लो पढ़िए और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए आराम आराम से, एक दो दिन ऐसा करिए कि आराम आराम से कैलकुलेशन को लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करिए और उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, फिर उसको उसमें दोबारा करिए, तिबारा करिए, ऐसा करने से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, फिर पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी, क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक चीज़ें लाइन पर आ जाएंगी, ठीक है। नो सर, सर वो कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन, सर जी वो कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन, क्यों कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन में क्या करना था बेटा, कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन में एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य दे रखा था, जो भी लाभ परसेंट है उससे गुणा कर देते, लाभ परसेंट हो रहा था कितने परसेंट, शायद उसमें हानि थी शायद 40% की या कितना था, अरे क्लियर है कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन में, ठीक है, कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन ये रहा, इसमें क्या दिक्कत थी, एक 40% की हानि थी तो मतलब 60% पर बेच कराए, और 60% किसका निकलेगा 345 का, और 345 का जो निकलेगा बेटा वो अगर 345 एक कैलकुलेटर का मूल्य है तो 60% मल्टीप्लाई करके एक कैलकुलेटर का ही आएगा, लेकिन विक्रय मूल्य पूछ रहा 28 का तो 28 से गुणा कर दो, लेकिन मुझे लगा कैलकुलेशन बहुत बड़ी है तो इसलिए मैंने डिजिटल सम कर दिया, डिजिटल सम से आंसर ये ऑप्शन आ गया। ओके सर जी, शौक में भी आ जाओ पढ़ने, बेटा शौक के अंदर मैं आपको बताऊं, देखो शौक वाले बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं, मेरी बात गौर से सुनो बेटा, देखो पुष्पेंसर जो आपको पढ़ा रहे हैं ना वो दी बेस्ट टीचर हैं, पहली बात तो ये गौर से सुन लो, ये हमारा भ्रम रहता है कि दिमाग में ऐसा रह रहा, ऐसा लगता है, मान रहा हूँ कि जिससे अटैचमेंट हो जाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि मैं आपसे अटैचमेंट होने के बाद मैं अलग हूँ, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, पुष्पेंसर आपको ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, आपको दो दो टीचर मिल रहे हैं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू तो रखिए ना, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अगर आपके साथ कोई गलत बात हो रही है ना, बेस्ट टीचर है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कभी भी कोई बात होगी मैं पक्का शौक आऊँगा यार, ऐसी बात नहीं है, संस्था से मैं अलग नहीं हूँ, ठीक है, SFES का मैं एक पार्ट हूँ, ठीक है, अगर मैं उसका एक पार्ट हूँ तो अगर मैं शौक में ज़रूरत पड़ेगी मैं आऊँगा, लेकिन पक्का पुष्पिन सर दी बेस्ट टीचर, वो भी एक पार्ट है हमारी फैमिली की, तो वो अगर वहाँ पर पढ़ा रहे हैं आप प्यार से पहले पढ़िए तो सही, एक बार को अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है बेटा। और कोई सर जी मेरी वाली कमेंट, ठीक है बाकी सब ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हो गया।